नमस्ते। वाओ क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे में मतलब बहुत सारे लोग अभी तक भी मतलब बहुत ही ज्यादा इससे ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए जैसे कि मास्क पहन रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं, भीड़ वाले इलाके में नहीं जा रहे हैं, इसी के साथ में जैसे हम मार्केट वगैरह भी बहुत कम निकल रहे हैं और हम सफर भी नहीं कर रहे हैं, हम इतना सारा प्रिकॉशन रख रहे हैं। उसी के साथ में मैं मेरी फैमिली के लिए एक और प्रिकॉशन रख करके रख रखा है जो पतंजलि का है, और ये बिल्कुल मतलब वेरीफाई हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है और इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिला है, यानी कि लोग इससे ठीक हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और हम हमारे पास अगर इसको रखते हैं तो इससे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। इसके MRP जो है कम से कम 500 रुपए के आसपास से, इससे ज्यादा है नहीं, और इतना सा अगर हम हमारे पास में रख भी ले और अगर हमें कभी इसकी जरूरत पड़ जाए तो ये हमारे पास रहता है तो हम सेफ्टी महसूस करते हैं। तो सभी प्रिकॉशन के साथ में आज इस दिव्य कोरोनिल किट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसे किस तरह से लिया जा सकता है, और आप भी अपने घर पर इस तरह से छोटा सा किट रख सकते हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी हो, आपको हॉस्पिटल में फैसिलिटी ना मिले, या फिर आपको कोरोना हो गया है और आपको एकदम से सिम्टम नजर आने लग जाए, आपके आस पास कोई नहीं है, तो आप इस किट का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक औषधि है और सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिससे कि हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां मिली हुई है, जड़ी बूटियां है जो हमारे गले को, हमारे फेफड़ों को और हमारे नाक संबंधी सारी संक्रमण को सही करता है। तो इस दिव्य कोरोनिल किट के अंदर क्या क्या है वह हम जानेंगे, इसे किस तरह से लेना है ये हम जानेंगे, और इसे कौन कौन से व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इसे बच्चे भी ले सकते हैं या नहीं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पतंजलि का है रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि दिव्य स्वासारी कोरोनिल किट। जैसे कि बना हुआ ही इतना अच्छा पैकेट है ये, और पूरा आयुर्वेदिक दिखाई दे रहा है। जब हम इस डिब्बे को पूरा देखते हैं पैकेट को, तो इसके अंदर तीन हमें दिखती है वो नजर आ रहे हैं। पहला वाला जो है वो है दिव्य कोरोनिल टेबलेट, दूसरा जो है अणु तेल है, और तीसरा है स्वासारी टेबलेट। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि इनमें क्या क्या औषधियां है, इसे किस तरह से लेना है। इस डिब्बे के ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि कोरोनिल टेबलेट के अंदर कौन कौन सा कंटेन है, स्वासारी वटी के अंदर कौन कौन सा कंटेन है, कितनी मात्रा के अंदर है, और अणु तेल जो है उसमें कितनी मात्रा है और इसका कौन कौन सा कंटेन है, वो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर इस पर आपको ये भी बता रखा है कि इसके अंदर आपको तीन चीजें मिल रही है, कोरोनिल टेबलेट, स्वासारी वटी और अणु तेल। तो इन पर इस तरह से एक क्वांटिटी भी बता रखी है, इसके MRP भी लिखी हुई है, और इसका पैकेट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब हम इसे खोल के देखेंगे कि इसके अंदर पूरा है क्या। जब हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पर्ची मिलती है, पूरा पेपर है जी, जिसमें पूरा आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि इसको कैसे लेना है और इसे कब कब लेना है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे, सेफ्टी तो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें हमारे परिवार के लिए छोटी सी एक सेफ्टी जरूर रखनी चाहिए। तो यहां पर पहली जो है वो है दिव्य कोरोनिल टेबलेट, और हम तो पतंजलि का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वाकई में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, अगर किसी पर विश्वास कर सकते हैं तो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पतंजलि है। जो नहीं कर सकते विश्वास वो बात अलग है, लेकिन अगर हम हमारे स्वास्थ्य के लिए जैसे योग करते हैं, अगर हम इन चीजों को भी अपनाएं तो कोई बुराई नहीं है। तो दिव्य कोरोनिल टेबलेट है, बहुत ही अच्छा इसका एक बना हुआ है पैकेट, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कंपोजिशन यहां पर भी लिखा है, किस तरह से इसको लेना है वो भी यहां पर लिखा हुआ है, और ये टेबलेट है कोरोनिल टेबलेट, इसी के नाम से इसको बना दिया गया है, कोरोना के नाम से। नेक्स्ट है दिव्य अणु तेल, जिसे आप नाक के अंदर डालेंगे तो आपके नाक के अंदर अगर कोई वायरस चला जाता है तो वो ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, आपका नाक साफ करता है, आपके गले में कोई संक्रमण नहीं पहुंचता। तो ये है दिव्य अणु तेल।
ड्रोपर है, ये ड्रॉप है, ये जो हम नाक के अंदर डाल सकते हैं। तीसरा है श्वासारी वटी, जो अपने आप पता चल रहा है कि सांस लेने में उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, फेफड़ों का बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है, आपके फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, आपको कफ होने लगता है, अचानक से आपका नाक बहने लगता है, सर्दी जुखाम हो जाता है, सांस नलियां आपकी काम नहीं करती है, तो ये श्वासारी वटी है जो आपको ये गोली भी लेनी रहेगी अगर आपको कोरोना होता है। लेकिन अगर आपको कोरोना नहीं होता है तो भी आप इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, और अगर आपको कोरोना हो जाता है, अचानक से आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो आपको एक ऐसा किट अपने पास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम पर जा रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इस एक किट को अपने पास जरूर रखिए। ये पतंजलि स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और इसके अंदर अब क्या क्या लिखा हुआ है हम ये भी जानेंगे। जब हम इस पेपर को पूरे को खोलते हैं तो यहाँ पर इसकी पूरी कोरोना पेशेंट के लिए पूरी समरी दी हुई है कि इसे किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे दिव्य श्वासार वटी है, जैसे कोरोनिल किट है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, मैं तो चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी ये बीमारी खत्म हो ताकि हमारा देश वापिस सही ढंग से काम कर सके, और हमारे देश के अंदर बहुत सारी जनता ऐसी है जो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत सारे लोगों का काम छूट चुका है और अब स्कूल बंद है, हम सब जानते हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, और कोशिश करते हैं, भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि अब ये खत्म हो जाए ताकि हम इसका सामना ना करें, ये बहुत ही अच्छा हो। तो दिव्य कोरोनिल टेबलेट के अंदर जो टेबलेट है वो किस तरह से लेनी है अगर किसी को कोरोना होता है, तीन तीन गोली सुबह में, दोपहर में और शाम को तीन टाइम लेनी है, और तीन तीन गोली एक साथ लेनी है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कि कोरोना हो चुका होता है। श्वासार वटी जो है, अगर किसी को कोरोना होता है तो इसे भी तीन तीन गोली गर्म पानी के साथ में तीनों समय पर लेनी है। और जो ये अणु तेल है वो नाक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हम सभी जानते हैं। इसकी बूंद जो है नाक के अंदर आपको एक दो बूंद डाल के रखना है, थोड़ी देर लेट जाना है, इसे डालने के बाद तो आपके नाक के अंदर किसी प्रकार का वायरस पहुंचता है, संक्रमण होता है तो वो मिट जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं है और फिर भी ये टेबलेट का सेवन करना चाहते हैं तो कैसे ले, तो वो दो दो गोली ले, जैसे तीन तीन गोली कोरोना वाले ले रहे हैं, और दो दो गोली आप जिनको कोरोना नहीं है वो ले सकते हैं। और अणु तेल तक ऐसा तेल है जो अगर आपको कभी भी नाक के अंदर कोई संक्रमण लगता है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और ये काफी मतलब बड़ा है तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। नाक के अंदर किसी को एलर्जी रहती है, बदलते मौसम में किसी प्रकार का संक्रमण होता है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, अगर आपकी श्वास नली सही ढंग से काम नहीं करती है, आपके फेफड़ों से आवाज आती है, तो उसके लिए सबके लिए अणु तेल बहुत अच्छा होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इन सारी दवाइयों का सेवन तो आपको जरूर करना है, पर जैसे मैं सारे वीडियो में आपको बताती हूँ कि रोगी के लिए योग बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है, और योग तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए अगर आप उसके साथ में ही योग भी अपनाते हैं, जैसे कि कपालभाति हो गया, उज्जय प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया, भ्रामरी हो गया, अगर आप इन सबको भी अपनाते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, आपके फेफड़ों का संक्रमण सही होता है, आपकी श्वास नली सही ढंग से काम करती है, और आपको किसी भी प्रकार का श्वास संबंधी कोई तकलीफ नहीं होता, सर्दी जुखाम आपको जल्दी नहीं होएगा, एलर्जी आपको जल्दी नहीं होएगी। तो आप दवाइयों तो सेवन कर ही सकते हैं, लेकिन योग को तो आप हमेशा के लिए काम में लीजिए। योग अगर आप करेंगे तो आपके पास कोई बीमारी आएगी नहीं, और अगर किसी कारणवश आप अकेले रहते हैं तो आपके पास इस तरह का एक किट जरूर होना चाहिए जो आपको आपकी फैमिली के लिए अच्छा स्वास्थ्य देगा। तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, हम वो भी जानेंगे। जैसे दिव्य कोरोनिल किट के अंदर बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है, जैसे गिलोय है इसके अंदर, इसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, गम एसेरिया है, टेलकम है, एरोसिल है, मैग्नीशियम है, जो कि आपकी बॉडी को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, और इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
दूसरा है स्वासारी वट्टी, इसके अंदर कौन कौन सा कंटेन है, इसमें है मुलेठी, जो हम सभी जानते हैं कि फेफड़ों के लिए सांस लेने में, सर्दी जुकाम में, खांसी में, सब में आराम करता है। कक्कड़ सिंगी है, इसमें रुदांती है, सोट का पाउडर है इसमें, इसमें सोट है, छोटी पीपली है इसमें, लौंग है, दालचीनी है इसके अंदर, अकरका है। इसमें बहुत सारी ऐसी भस्म भी है जिनका प्रयोग करके और इन गोलियों को बनाया गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर कब न जाने कब एक कोरोना का वैक्सीनेशन आएगा, हमें नहीं पता है, दुनिया पूरी तरह से रुकी हुई है, लेकिन अगर किसी को संक्रमण होता है और इन गोलियों से उनका फायदा होता है, तो मैं यही कहूंगी कि आप एक कोरोना किट अपने पास जरूर रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि कभी भी समय बदलते समय नहीं लगता है और हमें हमारे सावधानी रखने के लिए, प्रिकॉशन के लिए एक 400-500 रुपए का किट अपने पास रखने में कोई भी बुराई नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चों को अगर इस प्रकार का संक्रमण होता है तो हम इसे किस तरह से दें। तो इसमें भी पेपर में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो टेबलेट दी जाती है उसका आधा हिस्सा दें। आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें और आप चाहे तो कोरोनिल किट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।